अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज की वीडियो है वक्त पे। वक्त बहुत कीमती चीज़ है। आप दुनिया की हर चीज़ भी किसी को ला के दे दो ना, लेकिन आप उसे वक्त ना दे सको तो कोई भी चीज़ उसके दिल को वो सुकून नहीं दे सकती जो आपका वक्त दे सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप के वक्त के तलबगार होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो सिर्फ देख देख के ना माँ बाप को कि माँ बाप पास हैं सामने जी लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें माँ बाप का टाइम चाहिए होता है कि माँ बाप उन्हें वक्त दें, उनके पास बैठें, उनसे बातें करें, उनकी खामोशी की वजह पूछे, बोलने की मतलब खुश हो तो पूछे कि बच्चे आप खुश हो हमसे भी शेयर करो। ये वक्त ना लफ्ज़ बहुत छोटा है, बहुत छोटा लफ्ज़ है वक्त, लेकिन जो इसके लफ्ज़ की जो कीमत है ना वो बहुत बड़ी है, बहुत कीमती होता है ये वक्त, बहुत ज़्यादा अहमियत है इसकी। कभी कभी ऐसे होता है कि वालिदैन अपनी ज़िंदगी के मसरूफियात में अपने बच्चों को वक्त नहीं देते हैं, जिस वजह से जो बच्चे होते हैं वो खुद को अकेला महसूस करने लग जाते हैं। जब वो खुद को तन्हा अकेला महसूस करते हैं तो वो उनके अंदर ही अंदर वक्त की तलब बढ़ती जाती है। जब कोई और जैसे कि उनके दोस्त हो गए या कोई और उन्हें थोड़ा सा वक्त दे तो उन्हें लगता है कि भाई यही हमारे अपने हैं, चाहे वो अगला शख्स गलत भी हो, लेकिन उन्हें तो उनकी जो तलब होती है कि वक्त हमें मिले, हमें ध्यान किसी का मिले, किसी का सिर्फ ध्यान हमारे लिए हो, वक्त हमारे लिए हो। जब ऐसा होता है तो फिर वो उसी साइड पे खींचे जाते हैं, अपने वालिदैन से दूर होते रहते हैं। इसीलिए वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को वक्त दिया करें, उनके पास कुछ देर बैठा करें, उनसे बातें किया करें, अगर वो खामोश हैं तो उनसे वजह पूछें। कभी कभी ना वालिदैन अब कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को ज़िंदगी की हर खुशी दें, वो ज़िंदगी का हर जो उन्हें चाहिए वो बच्चों को ला देते हैं, जो बच्चे चाहते हैं उन्हें वो ला के देते हैं कि ताकि बच्चे खुश हो जाएं, लेकिन माँ बाप वक्त नहीं देते। वक्त ना बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए ना लोग देते नहीं हैं, लेकिन वक्त दिया करें, क्या पता आपके वक्त से इसकी ज़िंदगी बदल जाए, कौन इंसान सुधर जाए, कौन गलत रास्तों से, गलत लोगों से, गलत सोबत से बच जाए। शायद मेरी बातें गलत भी होंगी, लेकिन जो इंसान महसूस करता है या जो देखता है ज़िंदगी में या दुनिया में, इंसान वही बोलता है। दुनिया की हर चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ भी ला के अगर अपनी औलाद को दे दो ना, लेकिन आपके पास उनके लिए वक्त ना हो तो वो चीज़ें किसी भी काम की नहीं रहती। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो माज़रत। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।
वक्त पे बात कर रहे थे, तो कुछ लोग होते हैं जिंदगी में जिन्हें अगर तवज्जो मिले तो जिंदगी की हर कामयाबी में कामयाब हो जाते हैं। कुछ की नेगेटिव सोच भी होती है, वालिदैन और सब वक्त देते भी हैं लेकिन फिर भी उनको कमी लगती है। अगर आप अपने बच्चों को या अपने बहन भाइयों को या अपने दोस्तों को वक्त देते हैं फिर भी उन्हें गिला है कि आप उन्हें वक्त नहीं दे रहे, तो कोशिश करें उन्हें उससे ज़्यादा वक्त दें, उससे ज़्यादा बातें करें। अगर वो आपसे बातें नहीं करते तो ये एक ही रीज़न है ना कि वो उनके और आपके दरमियान गैप आ गया है। आप उस गैप को ख़त्म करें, उस गैप को ख़त्म करने की कोशिश करें, उनके करीब हों। जब आप किसी के करीब हो जाएंगे ना वक्त देंगे तो वो शायद आपके ऊपर ध्यान दे, अपने वालिदैन पे ध्यान दे और गलत सोबत से या गलत कामों से जो आपके वक्त देने ना देने की वजह से वो किसी और से उन्हें वक्त मिला और वो गलत रास्ते पे चल पड़े। अगर आप उन्हें वक्त दें, क्या पता आपके वक्त से उन्हें उनकी जो ज़िंदगी में कमी रह गई थी वो पूरी हो जाए, क्या पता उनकी जो कमी उनके आपके वक्त ना देने की वजह से उनकी ज़िंदगी में आ गई हो, क्या पता वो बढ़ जाए। क्या पता आपके का वक्त किसी को इतनी खुशियाँ दे दे कि वो ज़िंदगी के सब गम भूल जाए। क्या पता आपका वक्त देना किसी की ज़िंदगी संवार दे। क्या पता आपका वक्त देना किसी बीमार को सेहत दे दे। पता क्या होता है, अपने ना वालिदैन को वक्त दिया करें। ये मैंने पढ़ा था, अपने वालिदैन को वक्त दें, वालिदैन के साथ टाइम गुजारें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो वालिदैन को बुलाते हैं, वक्त उनका मांगते हैं। पता क्या है, कुछ बच्चे ना अपने वालिदैन का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ना उन्हें तंग करते हैं, उनका वक्त लेने के लिए ना उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जैसे माँ बाप कहते हैं कि बचपन से बाहर निकलो, लेकिन वो उनका बचपना नहीं होता, वो बच्चों के तरीके होते हैं वालिदैन के वक्त अपनी तरफ ध्यान करने के। इसलिए गुजारिश है बच्चों को समझें, कुछ बच्चे पल जाते हैं आपके ध्यान के बिना भी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी बनाए हुए हैं रब ने जिन्हें आपकी तवज्जो की तलब होती है। तो गुजारिश है बच्चों को वक्त दें, उनसे बातें करें, उन्हें समझने की कोशिश करें, उनका साथ दें। क्या पता आपका वक्त उन्हें गलत कामों से, गलत लोगों से, गलत सोबत से बचा के नई ज़िंदगी दे, उन्हें सुधरने संभालने की हिम्मत दें, उन्हें बदल दें। एक वक्त क्या क्या कर सकता है ये मुझसे बेहतर आप लोग भी जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर बुरी लगी है तो माजरत, अगर अच्छी लगी है तो शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, रखने वाले।